हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ थोड़ी सी वीडियो। मैंने खाना मैंने रेडी करने रखती है आज बच्चों को। ऐसे मैं बनाने लगी हूँ आलू कीमा। इसमें मैंने कीमा डाल दिया है और मैंने इसमें अदरक डाली है ऐसे कद्दूकस करके। ये देखें, बिल्कुल ऐसे कद्दूकस करके डाली है मैंने अदरक तकरीबन 1 टेबल स्पून। अभी मैं इसमें लाल मिर्च डालने लगी हूँ कुटी हुई 2 टेबल स्पून। ये 3 टीस्पून डाली है मैंने वाली। आलू कीमा बनाना है मैंने घर पे। 3 टीस्पून मैंने लाल कुटी मिर्ची डाली है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है इसमें। एक टीस्पून मैंने जो है ना इसमें साबुत जीरा डाल दिया है। आप लोग अपने हिसाब से रखना, मैं तो रोज आपको बताती हूँ, सालन घर के हिसाब से बनाती हूँ तो इसलिए अपने हिसाब से डालती हूँ। मैंने अब कल नमक लिया है तो वो थोड़ा ज्यादा लाइट जैसा है, उसमें ज्यादा डालना पड़ता है, तो मैंने अपने हिसाब से इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है। बहुत फीका जैसा है वो। और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। फिर मैं ये साथ के साथ जो है ना सब्जी काट भी रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो तंग कर रही है आज मुझे। साथ के साथ जो है ना एक छोटी जैसी आलू कीमे की रेसिपी भी मिल जाएगी। ये देखिए इतने मैंने क्लॉव्स डाले हैं इसमें तकरीबन। ये इसी में उबलते उबलते जो है ना सब गल जाएगा। देखो मैं टमाटर भी ऐसे ही काट के इसी में डाल दूंगी, सब कुछ मिक्स करके प्याज टमाटर मसाले और पानी डालकर कीमा भी गल जाएगा अच्छे से और लहसुन भी इसमें खुद ही गल के मिक्स हो जाएगा। और अदरक तो कद्दूकस करके इसीलिए डाली है कि वो अच्छी लगती है ऐसे थोड़ी साबुत साबुत। ये नॉर्मल साइज के प्याज लिए हैं मैंने छोटे छोटे, देखिए नॉर्मल साइज है बिल्कुल। मैं 3 से 4 डालूंगी इसमें, थोड़ा ग्रेवी बन जाती है, मसाला बन जाता है। भुना हुआ कीमा बनाना आपको सिखाऊंगी मैं, खड़े मसाले का कीमा भी रेसिपी दूंगी आपको, नमकीन कीमा। आगे बकरा ईद आने वाली है तो इंशाल्लाह आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा नहीं काटा मैंने, नॉर्मल इस तरह करके प्याज काटने से ना वो गल जाता है, साबुत नहीं रहता है। पता नहीं हमारे बड़े कहते थे, मेरी अम्मी खाना बनाती थी तो यही कहती थी। बस मैंने एक प्याज को 4 टुकड़े किया ऐसे साइड में काट के, वो जो है ना खुद ही जो है
मसाला भी गल जाएगा, फिर इसमें बाद में ऑयल डाल के इसको भून के फिर आलू डाल देंगे इसमें। ये देखिए मैंने 3 से 4 प्याज डाले हैं इसमें। सब्जी का अपना पानी भी निकलेगा। वैसे ये मैंने इसमें डाल दिया है, जब ये उबलेगा और भुनेगा फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी। अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ। ये देखें, ये उबल के ऐसा हो गया, सॉफ्ट हो गया। इसमें सारी वेजिटेबल सॉफ्ट हो गई। ये देखो आप, लहसुन खुद ब खुद ऐसे सॉफ्ट हो के खुद ही इसमें जो है ना अभी बड़े अच्छे से जो है ना ये अभी थोड़ा सूख जाए। फिर इसमें पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आजकल, कराची में, लाहौर में देखें, और यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्म हो रहा है। अभी भी मौसम बहुत ज़्यादा हब्स हो रही है, बिना एसी के तो गुजारा ही नहीं। अभी यहाँ पर मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी ताकि तेज आंच पे भून भी लूँ, और उसको फिर आलू ऐड करने हैं। सही है, ये देखें जी, ये तकरीबन मैंने भून लिया इसको 15-20 मिनट, और सॉरी 10 से 15 मिनट मैंने इसको भूना है तेज आंच पे, और चम्मच चलाते रहें ताकि ये जो प्याज टमाटर है ऐसे मिक्स हो जाए। मैंने आलू काट के रखे हैं ऐसे क्यूब्स के शेप में, मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत अच्छी डिश है ये भी, तकरीबन हर घर में पसंद की जाती है आलू कीमा। लोग आलू कीमा मटर भी बनाते हैं, मैं कभी कभी मटर भी डाल देती हूँ। आज मैंने आलू कीमा बनाया है, इसके साथ जीरे वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं, और नान और चपाती, और मेरे बच्चे खासकर इसके साथ पराठा शौक से खाते हैं। बड़े वाला बेटा मेरा चावल शौक से मांगता है आलू कीमा के साथ, हस्बैंड भी मेरे आलू कीमा और मटर चावल बहुत शौक से खाते हैं, और पराठे के साथ भी अच्छे लगते हैं। पराठे के साथ कीमा और भुना हुआ हो ना खड़े मसाले वाला, वो बहुत मज़े का लगता है। ये देखें, ये तकरीबन आलू भी इसमें मैंने डाल दिए, थोड़े बहुत भुन गए हैं आलू भी ना, इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के एक ग्लास पानी डाल दिया मैंने इसमें। मैं ढक के ना लो हीट पे रख दूंगी। इस
इसमें आलू गल जाएंगे और थोड़ा बहुत मसाला रह जाएगा, फिर मैं आपको इसका लास्ट लुक दिखाऊंगी। चलें जी अभी देख लेते हैं। ये ज़बरदस्त, ये तकरीबन हो गया है। जी भुन गया है बिल्कुल, हल्की आंच पे आलू भी गल गए हैं और ये देखें, हाँ जी बिल्कुल आलू हो गए हैं। इसमें मैं ये 8-10 दाने जो है ना हरी मिर्ची पतली वाली, आप मोटी भी डाल सकते हो, मेरे पास है नहीं मोटी, तो मैं ज़्यादातर ये पतली वाली यूज़ करती हूँ, थोड़ी तेज़ होती हैं। ये देखिए थोड़ा अच्छा जैसा लुक भी आ जाता है हरी मिर्चों से, और थोड़ा ये गरम गरम में डाला है तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी लगती है। सालन में अगर आप ऐसे टाइम पर डालें ना, और इसके साथ ही जो है ना मैं इसमें मेरा गरम मसाला भी ख़त्म हो गया, इसी के साथ डाल देती हूँ। हमने डाल दिया गरम मसाला, इसमें ऐड कर लिया। बहुत ज़बरदस्त खुशबू, देखें जी ये हमारा हो गया है रेडी खाना, मेरा डिनर हो गया रेडी। भाई चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। ये थी मेरी आज की रेसिपी, आलू कीमा। बहुत इजी रेसिपी है, पंजाब में अक्सर ऐसे ही बनती है आलू कीमा, ऐसा ही बनता है। भुना हुआ को दिखाऊंगी, मुझे बताएं आपको कैसा लगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़, मुझे कमेंट करके बताएं मेरी बनाई हुई डिश आप ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी आप लोगों को, तो जो है इससे मुझे पता होगा कि मैं अगर बना रही हूँ तो कैसी बन रही है। घर में तो सबको बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप लोगों से भी पता चलेगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना ख्याल रखें बहुत सारा, दुआओं में याद रखें सब, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।